तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू बैक माय चैनल सफ़र बीजी। फाइनली हम केरला में आ चुके हैं और अभी हैं कोची में, एर्नाकुलम में। तो अभी हम जा रहे हैं पोर्ट कोची जाने के लिए हमें यहाँ से बोट लेनी पड़ेगी। ये जगह है, यहाँ से हमें बोट लेनी पड़ेगी। इसके चार्जेस 80 रुपीज़ बताए जा रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ से टिकट बुक करवाते हैं और चलते हैं पोर्ट कोची। ये है यहाँ का टिकट काउंटर, देख सकते हैं। तो ये हमारी बोट है, सामने देख सकते हैं आप। इस बोट में जाएंगे और केरला के अंदर कोची में आने का प्रोसेस क्या था, एर्नाकुलम जंक्शन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी डिटेल भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी चलते हैं बोट में। यहाँ से 6 रुपीज़ का टिकट है, चलिए देखते हैं। गाइस ये बोट निकल चुकी है पोर्ट कोची के लिए। यहाँ पे काउंटिंग वगैरह देख सकते हो, इतने सारे ये सारे काउंटिंग करके ही जाते हैं पोर्ट कोची के लिए। तो ये कुछ नज़ारा है सामने का, ये आप देख सकते हो इस टाइप का। तो गाइस फाइनली हम उतर चुके हैं और अभी हम जहाँ से बैठे थे वो था मरीना ड्राइव, वहाँ से हमने टिकट लिया था। उसके बाद आपने देखा समुद्र के नज़ारे और उसके बाद हम आए यहाँ पे पोर्ट कोची। तो अभी इस समुद्र में आपने देखा होगा डॉल्फिन भी है, अगर आपको दिखाई दिया हो तो। डॉल्फिन भी नज़र आई थी और यहाँ पर सारा माल लोड होता है और डिफरेंट तरह की बोट मिल जाएगी आपको। तो आप किसी बोट में आ सकते हैं, जिस बोट में मैं आया था उसमें 6 रुपीज़ प्राइस था। गाइस केरला में बारिश का तो वैसे ही पता नहीं होता है और अभी देख रहे हैं आप हल्की हल्की बारिश हो रही है, लाइट बारिश। तो अभी ये बता रहे हैं कि जो निवार जो आ रहा है तूफान सा, उसके चक्कर में बारिश हो रही है यहाँ पे। और मुन्नार वगैरह में और भी ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार और वहाँ पे काफ़ी खतरा भी है। तो यही है चाइनीज नेट फिशिंग, यहाँ पे इस तरह से कुछ मछलियाँ जल डाल के पकड़ी जाती हैं और ये मछलियाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये डिफरेंट टाइप की मछलियाँ हैं यहाँ पे, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको जिंदा मछली मिलेगी और आप परचेज कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो खा के। कुछ इस तरह से उठाया जा रहा है, देख सकते हो इस नेट में मछलियाँ फंस जाएंगी। पहले इनको खाने के लिए डाला जाता है, उसके बाद ये नेट में फंस जाएंगे, फिर ये उठा लिया जाता है इस तरह। और ये देख सकते हैं आप नेट आ चुका है, इसमें कई सारी ढेर सारी मछलियाँ फंसी हुई होंगी। तो इनको जिंदा आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टैंड मिल जाएंगे और चाइनीज फिशिंग नेट के, और आप देख सकते हो अगर आप इसमें खींचना चाहते हो तो उसके जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो पे करके आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। देख सकते हैं दूसरा यहाँ पे नेट है इस तरह का कुछ, ये आपको कई जगह नेट मिल जाएंगे इस तरह के। ये देख सकते हैं हमारा भारतीय तटरक्षक, ये बड़े से सिप होते हैं
इसके अंदर में भी काफ़ी कुछ सामान जाता होगा, और अदरवाइज ये हमारा मरीन का सिप होगा। और इधर देख सकते हो ये फिशिंग नेट डाला जा रहा है, इस तरह से कुछ यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये फिशिंग मार्केट है, देख सकते हो आप। सारी यहाँ से पूरी फिशिंग मार्केट है, आपको पूरी लास्ट से लेकर यहाँ तक सारी फिशिंग मार्केट देखने को मिलेगी। यही आपको चाइनीज़ फिशिंग नेट के पास में आपको ये नेहरू चिल्ड्रन पार्क मिल जाएगा। देख सकते हैं आप पार्क किस तरह का है, काफ़ी अच्छा पार्क है और काफ़ी हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ हैं। कहते हैं ना केरला का मज़ा ही कुछ अलग है यार, हरियाली के मामले में तो बहुत ही अच्छा है केरला। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का है पार्क। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं एसटी फ्रांसिस चर्च, सेंट फ्रांसिस चर्च। ये यूरोपियन के द्वारा ये फर्स्ट चर्च बनवाया गया था, ये 1503 में बनवाया गया था। तो कुछ इस तरह का चर्च है आप देख सकते हो, और ये इसका रिनोवेशन करवाया गया था 1779 में दोबारा। ये देख सकते हो आप कुछ इस तरह का है। ये आपको नियर बाय एंटी पीस की शॉप्स भी मिल जाएंगी, ये सेंट फ्रांसिस चर्च के सामने है। ये है बीच साइड यहाँ की, और सामने देख सकते हैं आप बड़े बड़े सिप पकड़ दिखाई दे रहे हो आपको। ये एरिया सारा फोर्ट कोची के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था फिशिंग पॉइंट, चाइनीज़ फिशिंग पॉइंट, और दूसरा सेंट फ्रांसिस चर्च, और ये कुछ एरिया है ये देख सकते हैं आप बीच साइड का, यहाँ पे लोग आके फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बाहर से ही देखनी पड़ेंगी, अंदर आपको एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोई भी चीज़ अधिकतर खुली हुई नहीं है, तो आपको बाहर से ही देखनी पड़ेगी। तो ये आप चीज़ ध्यान रख लीजिए, बाकी सब अच्छा है। ये आप देख सकते हैं सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। कोरोना के चलते सारा टूरिज्म ख़त्म हुआ पड़ा है। गलियाँ, ये रोड देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान है। मैंने यहाँ के लोकल से पूछा है कि ऐसा ही रहता है, तो लोकल्स बता रहे हैं कि यहाँ पे निकलने की जगह नहीं रहती है, बट इस टाइम कोई भी टूरिस्ट नहीं आया हुआ है। तो आप देख सकते हो कोरोना ने कितना बुरा हाल कर दिया है यहाँ पे, बहुत ही बुरा हाल हो रखा है कोरोना की वजह से। तो अगर आप आना चाहते हो कोची में तो आ सकते हो। भाई जी, ये है मत्तेरी पैलेस जियो टाउन, और अभी हम आए थे फोर्ट कोची से जियो टाउन। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे स्पाइस मार्केट है वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भाई जी ना बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, सुबह से निकला हुआ हूँ, सुबह से हल्की हल्की लाइट बारिश हो रही है, और अभी हम पहुँच चुके हैं जियो स्टेशन पे। ये थोड़ा सा आगे है यहाँ से, थोड़ा सा इस साइड में राइट हैंड पे, और दिखाते हैं आपको स्पाइस मार्केट यहाँ की। और आफ्टर ऑल इसके बाद हम चलेंगे लुलू इंटरनेशनल मॉल। इस प्रॉब्लम ये हो गई है, मैं स्पाइस मार्केट में आ तो गया हूँ बट स्पाइस मार्केट आज क्लोज है, हो सकता है आज के दिन छुट्टी होती हो यहाँ पे मार्केट का, और मार्केट क्लोज रहती है। आज है थर्सडे तो आज मार्केट क्लोज है, आप देख सकते हो ये सारी स्पाइस मार्केट है, ये सारी मार्केट क्लोज्ड है, क्या करें फिर वापस चलते हैं। स्पाइस मार्केट आज क्लोज, या इट्स क्लोज, ओके, थर्सडे इज क्लोज्ड, ओके थैंक्स। तो ये है गाइस जियो टाउन, इनिशिएट जॉयस सेटलमेंट मार्केट फॉर द आर्ट
एंटी क्राफ्ट एंड स्पाइस। यहाँ जियो टाउन से ही आपको लुलू मॉल के लिए बस मिल जाएगी, तो ये देख सकते हो आप बस स्टॉप है, यहाँ से आप बस ले सकते हो जो लुलू मॉल के लिए। तो अभी देखते हैं बस वाले से पूछ के यहाँ से कितनी दूर है और कितना किराया है, और चलते हैं लुलू मॉल। ये कोची का लास्ट होगा मे बी, और साउथ इंडिया का ये सबसे बड़ा मॉल है, इंटरनेशनल मॉल। तो देखते हैं कैसा है और आपको भी दिखाते हैं।